अब मैं आपको जो गाना दिखाने लगी हूँ वो है सातवें नंबर पे और उसके वोट्स हैं 4,140। गाने के बोल हैं झूम सारी रात झूम। जब हम तुम साथ हो होता है ये जादू, टूटना ये बंधन है मेरी आरजू। आके हाथ जब मिले दुनिया सारी हमने सुना है नाजिया कि आपका एक गाना पाकिस्तानी फिल्म में भी यूज़ हुआ है, बताइएगा नहीं ये गाना भी हमें प्लीज ना बताइएगा क्योंकि इस सवाल का हमें तो खुद नहीं पता कौन सा गाना है ये कैसे हो अच्छा, सकता नहीं है बता सकते, नहीं बता सकते नहीं ये मिस्ट्री रहने दें, ये मैं आपको बाद में इस प्रोग्राम के थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो इसके बारे में मैं नाजरीन को भी बताऊँगी और आपको भी इसके मिस्ट्री बताऊँगी कि क्या है। अच्छा आप बताएं आपकी एक छोटी बहन भी है जी जरा, तो वो कहाँ है? एक उसको हमने किसी प्रोग्राम में पहले देखा था लेकिन उसके बाद जरा आजकल स्कूल में है, शी इज इन क्लास 9th एंड तो शी स्टडिंग। तीनों बहन भाइयों में बहुत माशाल्लाह टैलेंट्स है, तो अब आइंदा आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? आइंदा आप ही कोई एल्बम निकाल रही हैं ताजी? इवेंचुअली अभी मैं आई हैव जस्ट स्टार्टेड वर्क ऑन इट, इसको इसमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा उसमें। तो यू हैव अ सन? कितने साल का है वो? He's a year. He's a year. तो उसको लेके नहीं आई आप? अच्छा ही हुआ वरना अभी सारा पूरा सेट खराब हो जाता। तो वो क्या बड़े सुर में रहता है वो भी बच्चा है, सुरीला बच्चा आपकी तरह के? उसने तो अभी बोलना भी नहीं शुरू किया। नहीं नहीं but he's very cute. That's good. अब देखते हैं नंबर 6 पे आने वाला गाना। इस नगमे को वोट मिले हैं 6,263 और गाने के बोल हैं ए दिल मेरे चल रहे। नहीं दिल वाले हम
ये सवाल आप दोनों से ही है, लेकिन पहले चलिए मैं जुहैब से पूछ लेती हूँ, क्योंकि वो उनको शिकायत है कि वो काफ़ी देर से खामोश बैठे हैं. आप लोगों के लाइव शोज बहुत कम हुए हैं, इसकी क्या वजह है? मतलब कभी लाइव सिंग सॉन्ग्स मैंने आपको गाते नहीं देखे. नहीं, किए हैं लाइव शोज, हमने दुबई में किया है, आई मीन गल्फ में किया है, अमेरिका में किए हैं, इंग्लैंड, बट पाकिस्तान में अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है शो करने के लिए. आई थिंक आल्सो टूरिंग में टाइम बहुत लगता है. हां, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग. वो फिर आप लोग वैसे भी बिजी हैं. वो फिर वो यही बात है कि अब आप 2 या 3 महीने निकाल के पूरा टूर करें, और दैट्स वेरी डिफिकल्ट. जी, सुना है कि आपका कोई कुछ सॉन्ग आप लोगों ने इंग्लिश में भी कुछ गाए हैं और वो ब्रिटिश चार्ट्स पे भी आए हैं, इज इट ट्रू? जी. तो आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी अकम्पलिशमेंट क्या हो गई कि वर्ल्ड वाइड आपकी शोहरत है, तो ये कैसे वहाँ पर करने का कैसे ख्याल आया? ये वहाँ पर देखें, एक तो हमारे सॉन्ग्स जो थे जो उर्दू में थे, वो जैसे साउथ अमेरिका में बहुत पॉपुलर थे, जापान में, रशिया में, अफ्रीका, तो हमने वी सोल्ड अ लॉट अराउंड द वर्ल्ड. लेकिन फिर उन्होंने सोचा, रिकॉर्ड कंपनी ने कहा कि एक इंग्लिश में करें. Zuhaib did Don't Think Twice. मैंने एक इंग्लिश गाना किया था, डांस, इट वाज अ डांस सॉन्ग, सो इट चार्टेड. इट डिडंट गो, इतना ऊंचा नहीं गया था चार्ट में, मगर इट डिड ओके, इट डिड वेल. आई थिंक अगेन वो यही था कि वी वर द फर्स्ट एशियंस जिनका हुआ था, तो वो उससे फर्क नहीं. ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि वी कैन से कि हमारे पास ऐसे फनकार हैं जो पूरी दुनिया में जिनकी शोहरत है, और ब्रिटिश चार्ट्स में आना बड़ा एक अहम बात समझ जाती है. इट्स अ बिग अकॉम्प्लिशमेंट, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. अच्छा, अब सुनते हैं नंबर 5 पे आने वाला गाना. इस गाने को वोट्स मिले हैं 7293. गाने के बोल हैं, तेरे कदमों को. तेरे कदमों को चूमूंगा,